और मेरे भाई क्या हालचाल, काम करो कि नहीं कर रहे हो? दोस्त काम करते रहो अपनी जिंदगी में, काम एक ऐसी चीज है जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा, चाहे चीजें खराब चल रही हो चाहे बुरी चल रही हो। खराब और बुरी दोनों सेम चीज होती है, चाहे खराब चल रही हो चाहे बहुत बढ़िया चल रही हो, चाहे देश में कुछ हो रहा हो चाहे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा हो चाहे दुनिया में कुछ हो रहा हो, तुम्हें ये समझो जिंदगी में एक सिक्योरिटी पैरेलल चलनी चाहिए बाकी दुनिया में हर चीज जो हो रही है उसके। तो ऐसे समझो लाइफ में अगर चीजें खराब हैं तो तुम्हें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए उस सहूलियत के लिए कि हाँ सब कुछ खराब नहीं है। तो जब तुम अपनी जिंदगी में बेहतर कर रहे होते हो, जब तुम अपनी जिंदगी में कुछ खुद से लाइफ में एटलीस्ट प्रोग्रेस चल रही होती है कंसिस्टेंटली, तो तुम्हें यह चीज पता है कि हाँ यार एक चीज तो सही से हो रही है। तो वो सही से चीज होने का फॉर्मूला क्या है तुम्हें पहले वो समझ में आता है, और दूसरा तुम्हें लगता है सब कुछ खराब नहीं है, तुम अभी चीजों को संभाल सकते हो। कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो, द कॉन्फिडेंस की चीजें बेहतर हो सकती हैं। तुम्हारे अंदर ये बिलीफ आता तब है जब तुम्हारी जिंदगी में चीजें बढ़िया चल रही हैं। तो काम डेली करो अपनी जिंदगी में, अपना जो रिश्ता जो भी काम चुना है अपनी जिंदगी में उससे मत तोड़ना। काम क्या होता है, काम की डेफिनेशन मैं लिख देता हूं स्क्रीन पे है तुम्हारे, और एक बार मुंह से भी बोल देता हूं, काम वो हर चीज है जो 6 महीने में या 1 साल में डेवलप या ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक स्किल में। समझ रहे हो, हर वो चीज जो 1 साल में या 6 महीने में एक स्किल में ट्रांसफॉर्म हो जाए या डेवलप हो जाए उसे काम कहते हैं। वर्क वो है। आज हम बात करने वाले हैं भाई की बुक के बारे में, द रूडेस्ट बुक एवर। बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, अवेलेबल है, आप खरीद सकते हो, जिसको खरीदते हैं खरीद ले। मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूं कि आप जैसे लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ, मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। मेरा सपना किताब लिखने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मैं 17 साल का लौंडा था एक, तब मैंने देखा था। ये सपना नहीं था, ये रियलाइजेशन था। 17 साल में मेरी लाइफ में ये रियलाइजेशन हुआ कि मुझे लिखना है, आई एम गोइंग टू बी अ राइटर। क्लैरिटी के साथ बहुत सारी नॉवल्स आने वाली हैं, बहुत सारी किताबें आने वाली हैं, मेरी लाइफ डेडिकेटेड है मेरे इस गोल पे। मेंसूत्र भी अगर आप ढंग से देखो तो क्या है, राइटिंग है। जो मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, जितने भी वीडियो सॉल्यूशंस भी बना रहा हूँ, एसेज भी बना रहा हूँ, ये काइंड ऑफ मेरे लिए एसे राइटिंग का ही एक पार्ट है। बैठ के मैं चीज़ सोचता हूँ, उसको स्ट्रक्चर में पुट करता हूँ, मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, प्रॉब्लम की रूट पर जाता हूँ, फिर मैं सिंपलीफाई करता हूँ, यानी कि एग्जांपल्स यूज करता हूँ, तो काइंड ऑफ एक राइटिंग है। मेंसूत्र तो मैं लिटरली स्क्रिप्ट से स्टार्ट करता था कि भाई चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट कैसे, हाउ टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस। तो 17 साल के रियलाइजेशन से आज 30 ईयर्स में फाइनली बुक आ रही है मेरी, द रूडेस्ट बुक एवर। क्यों द रूडेस्ट बुक एवर और किस बारे में है ये बुक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला आते हैं क्यों द रूडेस्ट बुक एवर। तो ये बुक कुल मिला के आपको बता रही है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो है आपके अंदर वो है सेल्फ, तुम। लेकिन वो आइडेंटिटी हम कभी, क्योंकि छोटे जब होते हैं, जब 17-18 के होते हैं, तो हमें कूल बनना होता है, हमें भैया फिल्म हीरो बनना होता है, उसके बाद हमें भैया हजारों आइडेंटिटीज हमें काइंड ऑफ रिक्रूट कर लेती हैं, हमें फॉलोअर बना देती हैं, हम कितनी सारी विचारधाराओं को फॉलो कर रहे हैं, हम मर सकते हैं उनके, लड़ सकते हैं, हम सर फोड़ सकते हैं। तो मैंने ये बताया कि हम एक आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, वो ये है तुम। तो उस आइडेंटिटी के पास वापस कैसे पहुंचे सारी चीजों से फाइट मारते हुए, काइंड ऑफ बुक उस चीज पे है। तो ये काइंड ऑफ रूट बुक है, इसलिए नहीं क्योंकि इसकी लैंग्वेज रूट है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें गाली बक रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि भैया मैंने कहा मैं तो बेमतलब है, बस मेरे को उंगल करना है, यू नो हम इंटरनेट एज में है, मुझे रोस्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं इस बुक में। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि आपको कि फालतू इंसान आपसे बकचोदी कर रहा है या आपसे लड़ाई लेना चाह रहा है, इसलिए नहीं है ये रूट बुक। रूट बुक इसलिए है क्योंकि आपकी सबसे करीबी चीज़ें जो अपनी लाइफ में, ये उनको क्वेश्चन करेगा, तो आपको लगेगा यार हम नहीं मानना चाहते इस चीज़ को, ये बहुत ही ऑफेंसिव लग रहा है। इवन तो जो भाषा का प्रयोग है, इवन तो जो बात कर रहा हूँ, उसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं असल में आप पे अटैक कर रहा हूँ। अब बुक के अंदर है क्या, काइंड ऑफ आपको हिंट मिल गया है। मैं स्टार्ट करता हूँ सिंपल सा एक चैप्टर से कि भैया अगर आप एक प्रोडक्ट होते, अगर हम इंसान 7 बिलियन जो हैं, अगर हम प्रोडक्ट हैं इस दुनिया में जो आए हैं, तो हम एक चीज़ देखोगे दुनिया में भारी मात्रा में प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं हैं। क्यों नहीं है, तो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में, जैसे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, कैसे वो कल्टीवेट नहीं हो पाई या कल्टीवेट करना चाहिए और हो सकती थी, कैसे हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको कल्टीवेट करना चाहिए, किस तरह की विचारधारा हमें सिखानी चाहिए, समझानी चाहिए, हर कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स अगर हम दे दें, अगर हमें दे दिए गए होते जैसे 13 साल की उम्र में या 11 साल की उम्र में, माता पिता ने ऐसा नहीं बैठ के समझाया होता फिलोसफी क्या होती है, बच्चों ये फिलोसफी पढ़ो वो फिलोसफी पढ़ो, नहीं, सिंपल फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, उन चीजों को लेके जो कि चीज हमारी जिंदगी बदल देंगी। समझ रहे हो, जैसे कि फेलियर हो गया, ट्रॉमा हो गया, रिजेक्शन हो गया,
अप्रूवल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, इतनी बाइनरी चीजें हैं, इतनी छोटी चीजें हैं जो कि हम सब करते हैं। कूल बनना हो गया, स्पेशल फील करना हो गया, प्यार हो गया, लेकिन ये चीजें जो अभी सुनने में लगता है तो बहुत ही छोटी चीजें, इतनी कॉमन चीजें, बट ये हमारी पूरी जिंदगी गवर्न करती हैं। ये हमारा थॉट स्ट्रक्चर चेंज कर देती हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को पूरा शेप करती हैं। अगर इन छोटी चीजों पे हमें बस सिंपल ये दिया गया होता एक काइंड ऑफ डिस्क्लेमर कि ये होगा और जब ये हो तो इसको ऐसे बस डील कर लेना, तो हम शायद बहुत भयंकर वे में अपने आपको कल्टीवेट कर पाएंगे। बट क्या होता है, एक चोट पड़ती है, वो चोट चाहे आ रही हो एकदम ही बेवकूफ वाली चीजों से, लेकिन आप ये रियलाइज भी नहीं करते हो छोटी सी चोट से आपकी पूरी पर्सनैलिटी शेप हो गई है, क्योंकि फियर्स उसमें इन्वॉल्व हो गए। आपको चोट रिपीट नहीं करनी थी, उस चोट के दर्द ने आपको 10 लेसन दे दिए, और उस डर ने आपको 10 लेसन दे दिए, और उन 10 लेसन की वजह से आपकी पर्सनैलिटी शेप हो चुकी है, और आप काइंड ऑफ वैसे सोचने लग गए, और आपको पता भी नहीं था, आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स बन गए उससे। तो आप कैसे समझते हैं आपकी पर्सनैलिटी शेप होती है फ्रॉम द थिंग्स दैट वी गेट हर्ट, फ्रॉम थिंग्स जो कि हमें पेन पहुंचाती हैं, थिंग्स जो हमें ट्रॉमा देती हैं, थिंग्स जो हमें बहुत ही कसर तरह से अम्यूज करती हैं, वो तक भी हमारा दिमाग इन्फ्लुएंस करती हैं और शेप करती हैं। तो हमें हर चीज़ को सोचना है। तो ये सब चीज़ें मैंने काइंड ऑफ बुक में करी। अब तुम समझ रहे हो कितना डीप जा सकता है, किसमें कितने अंदर तक जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा डाला है जिसे मैं कहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी को हमें ऐसे देखना चाहिए कि हम एक देश हैं, यू आर अ नेशन। तो अगर आप सबमिट करते हो, अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप काइंड ऑफ समझो वो इन्वेजन है, क्योंकि आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप देखते हो इन्वेजन होता है, आपको अच्छा नहीं लगता कि भाई इस कंट्री ने इस कंट्री को इन्वेट कर दिया। ऐसे ही आप अगर समझो अपने आपको एक कंट्री की तरफ देखने लग गए, तो आपको चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप कभी नहीं पसंद करोगे कि आपकी कंट्री का इन्वेजन हो। आप हमेशा चाहोगे आपकी कंट्री के दूसरे कंट्री से रिलेशनशिप बढ़िया हो। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारा कंट्री इंडिया है, तो हम इंडिया को कभी नहीं सोचेंगे कि अगर इंडिया को कोई इन्वेट करे, इंडिया को कोई बुली करे, इंडिया को कोई, अब ऐसे अगर तुम एक कंट्री होते तो तुम सोचो प्यार के नाम पे, डिज़ायर के नाम पे, कमजोरियों के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पे, क्योंकि फ्लॉज और वाइसेस और कमजोरियाँ वीकनेसेस सबके अंदर होती हैं, क्या तुम चाहोगे इन बेसिस पे तुम्हें कोई डोमिनेट करे, इस बेसिस पे तुम्हें कोई गवर्न करे, इस बेसिस पे कोई तीसरा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी को डिक्टेट करे, कैसे जीना है, ऐसे सोचो। तो ये मैंने बहुत ढंग से उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बनाया कि कैसे तुम्हारी इंडिविजुअल सेल्फ, तुम एक्चुअल में पूरी तरह से एक देश की तरह ही हो। तो मैंने 10 पॉइंट्स में बताया, जैसे कि यू नो तुम्हारा ईगो क्या होता है, तुम क्या होते हो, नेबरिंग स्टेट्स क्या होती हैं, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तुम्हारी पुलिस क्या है, तुम्हारा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, और जैसे कि प्रॉस्पेरिटी कंट्री की यू नो जिसमें वो कर रहा है वो क्या है, सब कुछ मैंने बताया कि ये एक्चुअल में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। तुम्हारा देश का जो हम जैसे डिफाइन करते हैं और जैसे तुम अपने आप को डिफाइन कर रहे हो, एक्चुअल में उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए जिससे कि तुम्हारा देश एक ताकतवर देश बने, तो ये सब चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो आप जाओ, द रूडेस्ट बुक एवर अवेलेबल है दोस्त, तुम्हारे सारे बुक स्टोर्स में भी अवेलेबल होगा। तुम जाओ इंस्टाग्राम पे, जाओ एट मेनसूत्रा, इसमें मैं सारी डिटेल डाल रहा हूँ कहाँ पे बुक मिलेगी, तो मैं इंस्टाग्राम पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे भी तुम जाओ तुम्हें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बुक, तुम कहाँ से ले सकते हो, प्री ऑर्डर कर सकते हो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तुम्हें 9 तारीख से एक्चुअल में अभी से ही स्टार्ट हो गया अवेलेबल होना, तुम्हारे बुक स्टोर पे, तुम्हारे जहाँ पे जाओगे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, पैसा वसूल है भाई, समझ रहे हो। तो इन्वेस्ट करो चीज़ पे, बढ़िया चीज़ है। आगे अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ भाई, आ गया हूँ वापस, सेटअप भी नया हो गया है, फाड़ते हैं भाई अब, ठीक है, बहुत ढंग से फाड़ते हैं, और मैं चाहूँगा तुम भी फाड़ो। हमारा देश इस वक्त एक बहुत अच्छी स्थिति या प्रगति से नहीं चल रहा, हमारी जो प्रगति या गति जो होती है सॉरी वो इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं चाहूँगा हमारा देश क्या है, इट्स अ कल्मिनेशन, इट्स एक्चुअली हु यू आर, व्हाट यू आर। तुम्हारी जिंदगी में अगर बहुत बढ़ोतरी हो रही है, तुम देख रहे हो सराउंडिंग में सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, तुम ये चीज़ देखोगे देश की इकोनॉमी अपने आप चलने लग जाएगी। हम इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, हम एक्चुअल में कलेक्टिव फॉर्म में देश कंस्टिट्यूट करते हैं, तो आपको बढ़िया करना पड़ेगा। उसके लिए भाई हम चाहेंगे, मैं चाहूँगा तुम्हें फोर्स करूँ, पुश करूँ, मोटिवेट करूँ, हेल्प करूँ चीज़ों से निकलने के लिए, ताकि हम सब बढ़िया करें अपनी लाइफ में, प्रोग्रेस करें, प्रोडक्टिव बने और बहुत कुछ अचीव करें, ठीक है दोस्त। चल भाई आपसे शुरू होते हैं, जो भी चीज़ें थी अपनी लाइफ में प्रायोरिटी आज क्लियर करो, प्लान करो सब कुछ कैसे करना है, क्या करना है, वापस अपने आराम से अकेले बैठो, सोचो कि भाई ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज़ थी जिसको मुझे यू नो अचीव करना था, वो शायद मैं इग्नोर कर रहा था टाइम से, वापस लाओ उसको अपनी ज़िंदगी में, वापस लाओ मेरे दोस्त, डेली उसको फिर प्लान करेंगे यू नो चीज़ों में डिवाइड कर करके, हफ्ते के गोल बना बना के उसको अचीव करना स्टार्ट करेंगे, शुरू हो जाए।